नीट हो गया, ठीक है, वो डॉक्टर बन गया, वो प्राइवेट में जाएगा, करोड़ों रुपए देगा, ठीक है, तब जाके वो MBBS करेगा। ए प्लेनेट हैविंग इक्वल मास रेडियस ऑफ बट हाँ ए प्लेनेट हैविंग सेम मास दैट अर्थ, अर्थ और प्लेनेट का मास सेम है बट रेडियस इज 4 times रेडियस ऑफ अर्थ। चलो एक प्लेनेट है, मास ऑफ द प्लेनेट इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द प्लेनेट इज 4 times रेडियस ऑफ अर्थ। कंडीशन लिख लो, मास ऑफ, बट द रेडियस इज 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, एक्चुअली 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ ना, तो ये जो रेडियस है, रेडियस ऑफ प्लेनेट वो 1/4 है, ठीक है, तो 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, क्लियर है, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। कहता है इसके वेलोसिटी फॉर दिस प्लेनेट, उस प्लेनेट के लिए इसके वेलोसिटी निकालो जिसका ये डेटा अर्थ के कंपेयर में है। तो अर्थ के सरफेस पे इसके वेलोसिटी क्या होती है, बोलो, अर्थ के सरफेस पे इसके वेलोसिटी होती है gm/r, 2 gm/r, और ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वैक्यूम में इतना आता है, ठीक है, वैक्यूम में थ्योरेटिकली इतना आता है, पर प्रैक्टिकली एयर होता है और इससे ज़्यादा आता है, ठीक है, तो थ्योरेटिकली इतनी है पर, ठीक है। अब नया प्लेनेट जो हुआ है उसके लिए इसके वेलोसिटी निकालना, तो नए प्लेनेट के लिए इसके वेलोसिटी क्या होगी, तो फॉर न्यू प्लेनेट के लिए जो इसके वेलोसिटी होगी उस प्लेनेट के लिए 2g मास ऑफ दैट प्लेनेट और रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ठीक है, तो मास ऑफ दैट प्लेनेट 2gm और उस रेडियस, उस प्लेनेट का जो रेडियस है वो 1/4 है, ठीक है, मतलब ये 4 ऊपर चला गया और ये रेडियस नीचे रह गया, इसका मतलब ये हुआ 2 times इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ, और 2 times इसके वेलोसिटी मतलब 11.2 मतलब 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज द फाइनल सोल्यूशन, 22.4 किलोमीटर, ये उस प्लेनेट के लिए है जिस प्लेनेट का ये डेटा है, ठीक है, ज़्यादा होगा, ये बी ऑप्शन सही है।